ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जलदाय विभाग ने अब सख्त कदम उठाते हुए बकायेदारों से वसूली शुरू कर दी है। जयपुर शहर में ही विभाग का करीब 200 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है और विभाग ने अब ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने भी शुरू कर दिए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बहुत पिया फ्री का पानी, अब पानी चोरों की खैर नहीं। जलदाय विभाग का मिशन वसूली शुरू। पानी के बकायेदारों से शुरू हुई वसूली, करीब 200 करोड़ रुपए बाकी हैं जयपुर में। कई वर्षों से पानी का बिल नहीं भर रहे, कई रसूखदारों पर भी बाकी है लाखों का बिल। सरकारी महकमे भी नहीं चुका रहे पानी का बिल, होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने भी नहीं चुकाया पैसा। अब विभाग का एक्शन हो गया है शुरू। 50,000 से ज्यादा बकाया वालों के कनेक्शन कटना शुरू। जलदाय विभाग के एडिशनल चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी बताते हैं कि विभाग ने राजस्व वसूली अभियान शुरू कर दिया है। जयपुर में 10,000 से ज्यादा घरेलू, अघरेलू और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं पर 65 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया है। सार्वजनिक नल जोड़ने के बाद ये राशि 100 करोड़ से ज्यादा होती है। सरकारी विभागों का बकाया जोड़ दें तो ये आंकड़ा 200 के करीब बैठता है। ऐसे में जयपुर में 10,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को नोटिस थमाया गया है। विभाग के सब डिवीजन दफ्तरों से बकायेदारों को कुर्की का नोटिस दिया जा रहा है। राजस्थान लैंड्स रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 229 के तहत संपत्ति कुर्क की जाएगी और संबंधित संपत्ति की नीलामी की जाएगी। काटे गए पानी के कनेक्शन पर 18% की दर से ब्याज भी वसूला जाएगा। नोटिस में चेतावनी है कि कर्मचारी या इंजीनियर से दुर्व्यवहार करने और अवैध रूप से पानी लेने पर पुलिस थाने में केस दर्ज होगा। जलदाय विभाग के अभियान के तहत मंगलवार को 2 कनेक्शन काटे गए, जिसमें एक पर 1,82,000 रुपए का बिल बकाया था और दूसरे कनेक्शन पर 1,28,000 रुपए बाकी थे। विभाग ने 50,000 रुपए से अधिक बिल नहीं चुकाने वाले 10 अन्य उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी काटे हैं। विभाग ने अजमेरी पुलिया के पास एक होटल का कनेक्शन भी काटा है। इस होटल पर करीब 3 लाख रुपए का बिल बकाया था। खास बात यह है कि कई बार नोटिस के बाद भी होटल का कई सालों से बिल जमा नहीं हुआ था। बताया जाता है कि होटल संचालक पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी से जुड़े हुए थे। ऐसे में किसी की कार्रवाई करने की हिम्मत ही नहीं हुई। दूसरी ओर उपभोक्ताओं में औसत बिल को लेकर भी विरोध है। जयपुर शहर में 4,63,000 पानी के कनेक्शन हैं, लेकिन करीब 2,20,000 कनेक्शन पर ही मीटर लगे हुए हैं। ऐसे में अन्य उपभोक्ताओं से जलदाय विभाग औसत बिल से वसूली कर रहा है। कई उपभोक्ता पानी कम खर्च कर रहे हैं, लेकिन बिल उन्हें बढ़ी हुई राशि से मिल रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से विभाग ने पानी सप्लाई 20 से 50% तक कम कर रखी है। ऐसे में जब पानी ही पूरा नहीं आ रहा तो मीटर बंद होने के कारण औसत बिल कैसे निकाला जा सकता है। अब देखना होगा कि विभाग इस बारे में कोई कदम उठाएगा या नहीं। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।